प्यारे बच्चे, चलिए आइए चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्लास ट्वेल्थ की जहां तक कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि दो विधियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। एक था संघनन विधि और दूसरा था परिक्षेपण विधि। तो चलिए हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं संघनन विधि से पढ़ना। तो टॉपिक देंगे संघनन विधि। संघनन विधि के नीचे एरो देंगे, लिखेंगे संघनन विधि के नीचे। इन विधियों का सिद्धांत यह है कि वास्तविक विलयन में उपस्थित विलेय के अनेक अणुओं को संघनित करके उन्हें कोलाइडी कणों के आकार में परिणत कर दिया जाता है या बदल दिया जाता है। परिणत कर दिया जाता है। चलिए अब जरा समझते हैं संघनन विधि क्या है। प्यारे बच्चों, संघनन विधि वह विधि है या यह सिद्धांत है जो यह बतलाता है कि कोई भी कण को हम लोग कोलाइडी कणों में बदल सकते हैं, या यह प्रक्रिया संघनन विधि कहलाती है। यानी संघनन विधि क्या है? तो संघनन विधि ऐसी विधि है जिसमें वास्तविक विलयन के जो भी विलेय के कण होंगे, यानी कि विलेय के कण को हम लोगों को बदलना है किस रूप में? कोलाइडी कणों के आकार में, कोलाइडी कण के रूप में बदलना है। यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? संघनन विधि। यानी कि संघनन विधि में याद रखिए कि विलयन के, विलेय के जो कण है उसको संघनित करने के लिए आपको कोलाइडी कणों में बदलना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर करते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है H2S के दो मोलेक्यूल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होता है? H2S। इसके दो मोलेक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तो वाटर बनता है 2H2O प्लस 2S2, सल्फर का दो एटम बनता है। यानी कि प्यारे बच्चों, आप यहां पे ये देख पा रहे होंगे कि यह प्रक्रिया संघनन मेथड से ही होता है। देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड था, हाइड्रोजन के साथ तो सल्फाइड है, S है, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो S जो है अलग हो गया, बदल गया, परिणत हो गया कोलाइडी कणों में। यह है संघनन विधि का एग्जाम्पल। जरा अगर हम लोग अगर आगे एग्जाम्पल ले दूसरा, हाइड्रोजन सेलेनाइड होता है Se का, सेलेनामाइड। तो हाइड्रोजन सेलेनामाइड लेंगे, Se से सूचित किया जाता है, उसका दो एटम को जब ऑक्सीजन गैस से अगर प्रवाहित किया जाए तो वही चीजें 2H2O प्लस 2Se2, यानी कि ऐसा बनता है। आप देख पा रहे होंगे दोनों एग्जांपल्स को, तो आपको ये नजर आ रहा है कि यहां पे क्या था, हाइड्रोजन सेलेनामाइड था। अब हाइड्रोजन सेलेनामाइड एक क्या है, विलेय के रूप में काम कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन जैसे ही यहां पे संघनन की प्रक्रिया कराई गई, अभिक्रिया कराई गई, तो वो क्या हो गया, परिणत हो गया कोलाइडी कणों में, अलग हो गया। तो ये एक संघनन विधि का एग्जाम्पल है। तो अगर इस विधि के बारे में कोई पूछेगा, सवाल आएगा, तो आप यही बोलेंगे कि विलयन में से विलेय के कण को कोलाइडी कणों में बदलना या परिणत करना संघनन विधि से, संघनन विधि कहलाता है। उसका एग्जाम्पल दोनों लिख लीजिए। अब उसको एग्जाम्पल करने के बाद अब टॉपिक देंगे परिक्षेपण विधि। संघनन विधि के बाद परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण विधि में लिखा जाए फर्स्ट एरो,
परिक्षेपण विधि, फर्स्ट है बताएंगे इन इस विधि से बड़े आकार वाले कणों को, किस विधि से, परिक्षेपण विधि से, इस विधि से बड़े आकार वाले कणों को कोलाइडी आकार वाले छोटे छोटे कणों में, कोलाइडी आकार वाले छोटे छोटे कणों में परिणत किया जाता है। उसके नीचे लिखेंगे सेकेंड एरो, यह क्रिया सेकेंड एरो में परिक्षेपण विधि का सेकेंड एरो, यह क्रिया यांत्रिक विखंडन के द्वारा संपन्न कराया जाता है। थर्ड एरो लिखेंगे परिक्षेपण विधि का, थर्ड एरो में यांत्रिक विखंडन में मिश्र धातु की बनी चक्की होती है जो अपने निकट वाली चक्की से विपरीत दिशा में अत्यधिक तेजी से घूमती रहती है, अतः कुछ समय बाद हमें कोलाइडी आकार वाले छोटे छोटे कण प्राप्त हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं परिक्षेपण विधि को। तो परिक्षेपण विधि को समझने के लिए जरा एक फिगर का जरूरी है। अब वो फिगर क्या बतलाता है, चलिए हम लोग देखते हैं फिगर। तो चलिए इस फिगर को देखते हैं कि यही यांत्रिक विखंडन है। हालांकि परिक्षेपण विधि ये बोलता है कि कोई भी बड़े बड़े आकार वाले जो भी कण है उनको छोटे आकार वाले कणों में, जिसको कोलाइडी कण भी बोल सकते हैं, उसमें अगर बदल दिया जाए तो यही कहलाता है परिक्षेपण विधि। और इस परिक्षेपण विधि को अंजाम देने के लिए एक विखंडन का नाम है जिसको बोलते हैं यांत्रिक विखंडन। यांत्रिक विखंडन में लोहे के रॉड के द्वारा दो आसपास चक्की, पास में चक्की, दोनों तरफ चक्ती जिसको बोल सकते हैं, वो लगा हुआ होता है और दोनों विपरीत दिशा में घूम रहा है। जरा आप फिगर को देखिए, ये चक्ती अगर इधर से घूम रहा है तो वो उधर से घूम रहा है, मतलब दोनों तरीके से चक्ती घूम रहा है, एक राइट साइड से घूम रहा है तो एक लेफ्ट साइड से घूम रहा है। देख पा रहे होंगे कि ये बेल्ट लगाया हुआ है, एक जो है डीजल या फिर किसी की सहायता से, बेल्ट की सहायता से इसको राइट साइड घुमाया जा रहा है, जबकि एक बेल्ट की सहायता से इसको उल्टा घुमाया जा रहा है। और ये दोनों के बीच में कीप की सहायता से जो भी बड़े वाले कण है उनको डाला जा रहा है। तो चक्ती में चूंकि दोनों उल्टा घूम रहे हैं तो यहां से बिल्कुल छोटे छोटे आकार वाले कण में, मतलब कि वो बड़े आकार वाले जो कण है वो टूट जा रहे हैं इस चक्ती में आने के बाद। और फिर जो हमें प्राप्त हो रहा है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, कोलाइडी कण प्राप्त हो रहे हैं, छोटे छोटे कण प्राप्त हो रहे हैं, यही कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस जो कहलाता है ये परिक्षेपण विधि कहलाएगा।
क्योंकि परिक्षेपण विधि में बड़े आकार वाले जो कण हैं वो कैसे हो जाते हैं छोटे आकार वाले कण, और ये जो प्रक्रिया कहलाती है इसमें जो मशीनरी यूज किया गया है चकती और बेल्ट वगैरह का इस्तेमाल किया गया है तो ये यांत्रिक विखंडन में प्रयुक्त होता है। तो कुल मिलाकर परिक्षेपण विधि में हम लोग ये सीखे, यहाँ पे देखिए ये बेल्ट है, ये उधर घुमा रहा है और इसको इधर घुमा रहा है, इस तरह से दोनों जो चकती है वो ज्यादा तेजी से उल्टी दिशा में घूम रहा है, एक इधर से और एक इधर से, ताकि जो भी बड़े कण होंगे वो जल्दी से छोटे कण में परिवर्तित हो जाएं, और ऐसा होने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो कोलाइडिक कण प्राप्त होता है, और यह यांत्रिक विखंडन बोल सकते हैं इसको, और परिक्षेपण विधि कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग अभी सीख रहे थे परिक्षेपण विधि को। चलिए अब अगला टॉपिक देते हैं, कोलाइडी विलयनों का शोधन, यानी कि शोधन का मतलब होता है शुद्धिकरण। अब होता क्या है ना कि कोलाइडी विलयन तैयार करने में कुछ ना कुछ अशुद्धियां रह जाती है प्यारे बच्चे, उसको शुद्ध करने के लिए, उस अशुद्धि को हटाने के लिए, जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, कुछ विधि है। तो चलिए हम लोग आते हैं और ये समझते हैं कि कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे करते हैं। तो कोलाइडी विलयन का शोधन, कोलाइडी विलयन का शोधन, ये टॉपिक लेंगे, उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए कोलाइडी विलयन तैयार करते समय, कोलाइडी विलयन तैयार करते समय उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती है, कुछ अशुद्धियां रह जाती है जिसे दूर करने के लिए हमें शोधन की आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित विधि द्वारा किया जाता है, उसके नीचे पहला का नाम है अपोहन विधि और दूसरा का नाम है अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि, प्यारे बच्चे जो ये हम लोग कोलाइडी विलयन का शोधन का मतलब ये हुआ, शोधन का मतलब उसको शुद्ध करना। कोलाइडी विलयन तैयार करते समय हमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां प्राप्त हो जाती है, कुछ ना कुछ गंदगी आ जाती है उसके साथ, तो अब उसको दूर करने के लिए ही दो मेथड है, दो विधि है, एक का नाम है अपोहन विधि। अपोहन विधि से क्या होगा, कोलाइडी विलयन में आया हुआ अशुद्धि को दूर करेंगे हम लोग। दूसरा है अति सूक्ष्म निस्यंदन विधि। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि ये कौन कौन सा मेथड है। तो अब टॉपिक लिखेंगे अपोहन विधि, अपोहन विधि का फर्स्ट आर देंगे, लिखेंगे अपोहन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कोलाइडी विलयन में घुले हुए पदार्थ को एक उपयुक्त झिल्ली के द्वारा विसरण की क्रिया कराई जाती है। चलिए तो अब पहला है अपोहन विधि। तो जरा अपोहन विधि को हम लोग समझते हैं कि अपोहन विधि क्या कहलाता है और अपोहन विधि को हम लोग कैसे यूज करेंगे कोलाइडी विलयन में आया हुआ अशुद्धि को दूर करने में। तो चलिए इसके लिए भी फिगर है, फिगर को देखते हैं।
चलिए, तो ये यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस फिगर को, ये जो एक बर्तन लिया गया है, इस बर्तन में आपको दो तरह की यहाँ पे कण नजर आ रहा है। ये खाली वाला ब्लैंक्स वाला जो है वो शुद्ध कण है, और जो भरा हुआ है उसको माना जा रहा है कि ये अशुद्ध कण है। तो पहले बच्चे आप जो आप देख पा रहे होंगे बर्तन में, तो इस बर्तन में आप देख पा रहे होंगे कि शुद्ध के कण भी है और अशुद्धि के कण भी है, यानी कि यहाँ पे कोलाइडी कण रख दिए हैं। चूंकि कोलाइडी विलयन तैयार करने के लिए हम लोग बाहर से वाटर, एक पाइप के द्वारा वाटर को फ्लो कर रहे हैं, और जैसे ही वाटर को फ्लो करेंगे तो उस टाइम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा बना हुआ, एक पतली झिल्ली के द्वारा बना हुआ एक चरम पेटी लेना है। ये क्या है? चरम पत्र है, चरम पत्र या चरम पेटी। अब यहां से चूंकि कोलाइडी कण में अशुद्ध के कण भी है, शुद्ध के कण भी है, तो जैसे ही हम लोग पानी को प्रवाहित करेंगे इस बर्तन में और फिर चरम पत्र को डुबाएंगे, तो चरम पत्र में झिल्ली से होते हुए शुद्ध के कण जो होते हैं वो झिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और जो अशुद्धि के कण होंगे वो बाहर ही रह जाते हैं। तो यही क्रिया कहलाती है अपोहन विधि। यानी कि अपोहन विधि वैसा विधि है जिसमें कोलाइडी विलयन के अशुद्धियों को दूर करने का काम करता है, और इसमें जो मेन रोल है वो एक अर्ध पारगम्य झिल्ली का होता है जो शुद्ध के कण को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, उसको रख लेता है, और जो अशुद्धि के कण होंगे शुद्ध कण को रख लेता है और अशुद्धि कण को बाहर ही छोड़ दे रहा है। इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो भरा हुआ है वो एक अशुद्ध कण है और जो खाली है वो एक शुद्ध का कण है। तो कुल मिलाकर ये एक अपोहन विधि का फिगर है। अब चलिए आगे हम लोग टॉपिक देते हैं, अति सूक्ष्म निष्यंदन विधि। अति सूक्ष्म निष्यंदन विधि, अब इसके नीचे फर्स्ट अर्थ देंगे, लिखेंगे सूक्ष्म छिद्री छनक द्वारा। सूक्ष्म छिद्री छनक, सूक्ष्म छिद्री छनक द्वारा, सूक्ष्म छिद्री छनक द्वारा छान कर भी कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। इसी विधि को अति सूक्ष्म निष्यंदन विधि कहा जाता है। अति सूक्ष्म निष्यंदन विधि को विधि कहा जाता है। चलिए, तो ये एक अति सूक्ष्म का मतलब क्या है? नाम ही है अति सूक्ष्म निष्यंदन। अति सूक्ष्म का मतलब बहुत से छोटा से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, और उसमें जब कोलाइडी विलयन को तैयार किया जाता है, पार कराया जाता है, यानी कि एक छन्नी पत्र होता है, और उस छन्नी पत्र यानी कि जो कपड़ा में देखते होंगे ना छेद, जब कपड़ा में हम लोग पानी को डालते हैं तो आराम से ऑटोमेटिक उसके अंदर कपड़ा के आर पार हो जाता है। प्यारे बच्चों, अब कपड़ा से जटिल जिसके अंदर कपड़ा में जो छेद होता है ना, उससे भी छोटा से छोटा, यानी लगभग वो छाना पत्र का जो छेद होता है 1 माइक्रो सेंटीमीटर, यानी कि 10^-4 सेंटीमीटर, माइक्रो का मतलब होता है माइनस सिक्स, तो 10^-6 सेंटीमीटर से भी छोटा, मतलब बोल सकते हैं इससे भी छोटा लगभग, यानी कि ऐसा सूक्ष्म छनक पत्र जिसकी छेद का व्यास, जिसकी छिद्र का व्यास 10^-6 यानी कि 1 माइक्रो से भी अगर ज्यादा होता है उसका व्यास, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस को अति सूक्ष्म निष्यंदन विधि कहा जाता है। अति सूक्ष्म का नाम ही होता है कि मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म, और इसमें एक छनक पत्र होता है जिसकी छिद्र का व्यास 10^-6 के करीब होता है। जब कोलाइडी विलयन को उसके आर पार कराया जाता है तो जो अशुद्धि के कण होते हैं छना पत्र के ऊपर ही छन जाते हैं, और जो शुद्ध के कण होंगे वो छना पत्र के आर पार हो जाते हैं। तो ये एक छोटा सा लॉजिकल था
हालांकि हम लोग तो जानते ही हैं छना पत्र क्या होता है। तो अति सूक्ष्म निषेधन विधि क्या होता है, अपोहन विधि क्या होता है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज पढ़े। आज तक के क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं प्यारे बच्चे, अब इसके आगे हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।